रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में संविधान दिवस पर कार्यक्रम राम मनोहर लोहिया में आयोजित व्याख्यानशाला। लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र के साथ धोखाधड़ी, छात्र ने व्यापार करने के नाम पर लिए पैसे। रायबरेली में डीएम माला श्रीवास्तव ने की शपथ ग्रहण, संविधान में मूल कर्तव्यों का पालन करने की बात कही। देवरिया में पुरानी परंपरा आज भी पूर्वांचल में कायम दिखी, मेले में हजारों की संख्या में पहुंची लड़कियां। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही बीकॉम की एक छात्र पर उसी के साथ पढ़ रहे छात्र ने व्यापार के नाम पर पैसा लिया। जब व्यापार नहीं शुरू हुआ तो छात्र ने अपना पैसा वापस करने की मांग रखी तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। आपको बता दें कि पीड़ित ने थाने में आरोपी छात्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। अलीगढ़ में नरम अंदाज मृदभाषी शैली से पहचाने जाने वाले डीएम इन दिनों सुर्खियों में हैं। बीते दिनों गरीबों की मदद करने के बाद अब डीएम का एक नया रूप देखने को मिला है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा बीएलओ के निरीक्षण के दौरान बच्चों को क्लास में पढ़ाने का मामला सामने आया है। वहीं जब छात्रों से बातचीत की गई तो पता चला कि जिलाधिकारी ने क्लासरूम में आकर बच्चों को पढ़ाई करवाई, साथ ही उनसे कुछ सवाल भी पूछे। दूसरी ओर डीएम द्वारा क्लास लेने पर छात्राएं भी गदगद नजर आईं। आप लोगों को तो क्या कहोगी? अच्छा पढ़ाया था, आए हमारी क्लास में, अच्छा लगा हमको। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशी। कौन सी क्लास की है? 10C की। तो क्या पढ़ाया था डीएम सामने आज? डीएम सामने अभी बताया थी, किताब में से बताया था, अभी पंक्ति बताई थी, समझाई थी हमको। तो कैसा लगा फिर तुम्हें? अच्छा लगा था। खुश हो? हाँ खुश है। तो रूटीन वर्क है, आज मतदाता सूची के पुनरीक्षण की विशिष्ट तिथि थी, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का कार्य करने के लिए बीएलओ अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित थे। उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे, क्योंकि वो इंटर कॉलेज था बच्चियों का और वहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही थी, तो ये देखने के लिए कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे रुचिपूर्वक पढ़ रहे हैं या नहीं, उस नज़रिए से उसका निरीक्षण किया गया और कैसे रुचिकर तरीके से पढ़ाया जा सकता है ये बताने की कोशिश की गई, ताकि बच्चों में अपने सब्जेक्ट के प्रति अभिरुचि पैदा हो और वो फिर उसके आधार पर अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते। देवरिया में पीढ़िया गोवर्धन पूजा के बाद गोबर से बनी हुई पीढ़ियों को नदी से विसर्जित किया गया और वहीं पर पीढ़िया बैकुंठपुर में मेला का भी आयोजन किया गया है। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी पूर्वांचल में कायम है। गोवर्धन पूजा के बाद कुंवारी लड़कियां घर में सुख शांति के लिए एक महीने तक पीढ़ियों की पूजा करती हैं, इसके बाद नदी में उसका विसर्जन करती हैं। मेले में हजारों की पहुंची लड़कियों ने छोटी गंडक नदी में पिंडी का विसर्जन कर और मेले का आनंद लिया। बरियारपुर थाने की पुलिस लड़कियों के सुरक्षा के लिए मौजूद रही। यहाँ की पीढ़िया के मेला जो है बहुत परंपरा, पुरानी परंपरा है, बहुत वर्षों से लगती है और काफी भीड़ होता है और यहाँ प्रशासन भी रहती है, कांस्टेबल, एसआई, लेडीज पुलिस सब लोग रहते हैं। रायबरेली में सरेनी कोतवाली क्षेत्र के बरगदाह गांव में खेत पर काम कर रहे पिता पुत्री पर दबंगों ने फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने ये हमला कर दिया। वहीं इस हमले में
पिता पुत्री की हालत गंभीर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता पुत्री को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। घटना हम ख्यातमा पूरा बांधते रहे ने, ये घर ख्यातमा हमारे कूड़ा फेंकते रहे, वो का मने की ना म्याड़ काटते रहे, वहाँ खाई रही बाग का खाई है वो का काटते रहे मने की, तो हमका महतारी बहन का गाड़ी दही, गाड़ी देह के बाद वहाँ से दौड़ के लेते आवा फरुहा लेहरा कुल्हरी लेहरा लाठी रही, ये तीन चार जने रहें, तीन आदमी रहें, एक बिटिया रही सुशील का बिटिया है, और हमारे सर पर सुशील पहले लाठी मारी, और फिर वही के बाद पटवारी कहा थे ये जो है तो हमका ले के फरुहा दौड़े, फिर बिटिया मने करे लग तो एक का फरुहा ले घेरे रहे, एक बैटन से मारी बिटिया कहीं है। घटना उठे ख्यात में रहे और ख्यात में मारने पापा को पहले मारे गिरा मार को गिरा दिए कस के मारे और हमको फरुहा बैटन से मारे हैं। किसने मारा? सुशील मारे और वो पटवारी रहे हैं, अशोक रहे हैं, उनके बिटिया रहे। तो ये पैर में चोट कैसे आई? पैर में चोट पापा कुल्हाड़ी मारे हैं। पैर में कुल्हाड़ी मारी? हाँ, मुड़े में लाठी मारे हैं। अपना वहाँ मेड़ छाड़ रहे थे, मना किया तो फरुहा लेके लोग इनकी लड़की को जो है हिरिक रहे थे मारने के लिए, और इनके भी मार दिया कपड़ी में बांस गिर गए, तो फिर इनके पैरन में मारे, मारने के बाद फिर जो है वो लोग फरार हो गए। किस चीज़ से मारा? बांस से। कौन कौन थे? वही थे तीन चार भाई। क्या नाम है? एक लोग का सुशील नाम है, जो इससे पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद पटवारी थे अशोक और उनकी बिटिया थी सुशील। बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अली मरहूम के घर की कुर्की का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बसपा विधायक के दो बेटों पर हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे चल रहे हैं। हाजी आलिम के बेटे असद और जैद पर अपने चाचा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने सरायधारी के पास बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी अली मरहूम के घर की कुर्की की है। फरीदाबाद में सरूरपुर गांव की चौपाल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विधायक नैनपाल रावत पुलिस और चुने गए सरपंच के खिलाफ लोगों ने जमकर नारे लगाए, साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 कैंडिडेटों सहित 20 पोलिंग एजेंटों को पोलिंग बूथ में बंद कर मारपीट की गई, जिसके बाद वहां समर्थन में बजरंग दल आ गया। फरुखाबाद में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक अधेड़ ने जानवर बेचने से मना कर दिया, इस बात से गुस्साए कसाईयों ने अधेड़ को काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। ग्रामीणों को जब पता चला कि युवक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन में ग्रामीणों को बीच रेलवे लाइन के किनारे शत विक्षत अवस्था में अधेड़ का शव पड़ा मिला। वहीं परिजनों का कहना है कि कसाईयों को जानवर बेचने से मना करने पर निर्मम तरीके से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम हुसैनगंज के पास रेलवे लाइन का है। ये 10 बजे भैंस चराने लाए थे तो शेखपुर के जो कसाई थे वे पड़ रहा यहाँ ले इनको मोल खरीदो थे, 200 रुपया भी आना थे, फिर भी इन्हें ढूंढते रहे कि रामपाल कहाँ भैंस चराओ थे, रामपाल मिले ना ही, और ना तो रात भर हम लोग ढूंढते रहे। जब रात भर ढूंढते रहे तो उसे कसाई को पकड़ो, कल से गायब थे, ढूंढ रहे थे उनको, रात में ढूंढा सुबह यहाँ पे बंधे हुए मिले पड़े हैं, मृत शरीर मिला। थाना कमालगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो रेलवे ट्रैक है उसका पिलर नंबर 123/14 है, उसके पास में डेड बॉडी मिली थी, जिनका नाम जिनकी पहचान रामपाल सन और द्वारका के नाम से हुई, उम्र करीब 45 और ये भोरा नकला के रहने वाले हैं। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण करते हुए कहा कि हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं।
भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे और इसके साथ ही संविधान के बारे में भी जानकारी दी। संवैधानिक आदर्श राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय का आदर करेंगे, देश की अखंडता और रक्षा करेंगे, महिलाओं का सम्मान होगा, हिंसा से दूर बंधुता बढ़ेगा, सामाजिक संस्कृत का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। गाजियाबाद में भोजपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये हथियार कांशी राप योजना के बंद पड़े फ्लैटों में बनाए जा रहे थे। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही भारी मात्रा में बने अध बने बम हथियार और औजार भी बरामद किए हैं। थाना भोजपुर पुलिस एवं एसओजी ग्रामीण ने फरीदनगर क्षेत्र में कुछ बंद पड़े हुए मकानों में जब हमें सूचना मिली, सूचना के आधार पर जब कार्रवाई की तो वहाँ पर एक अवैध तमंचे बनाने की एक फैक्ट्री वहाँ पर पकड़ी गई। ये फैक्ट्री मूल रूप से मेरठ में ये लोग बनाने का काम करते थे, फिर इसको यहाँ पर लाके असेंबल करते थे और कुछ समय हुआ था इनको यहाँ पर आए हुए और इनको वहाँ से पकड़ा है। 4 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी संख्या में असलाह बरामद हुआ है जिसमें 315 के लगभग 21 तमंचे, 2 पिस्टल और अन्य बनाने का सामान भी इनसे काफी भारी मात्रा में बरामद हुआ है। गाजियाबाद में थाना सिहानी गेट के पास घुकना सिहानी के रहने वाले युवक के साथ दर्दनाक घटना हो गई, जो कि मसूरी के एक लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में लगभग पिछले 2 महीने से कार्यरत था। परिवारजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक और केमिस्ट पद पर कार्य करने वालों के साथ कुछ समय से विवाद चल रहा था। ये दुर्घटना नहीं बल्कि ये एक साजिश के तहत युवक की हत्या हुई है। वहीं परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 3 लोगों के नाम FIR दर्ज कर ली है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर कंपनी को सील कर दिया है। जो केमिस्ट और वो थे वो बहुत तंग कर रहे थे उन्हें। कब से? बहुत दिनों से, जब से उन्होंने ज्वाइन करा था जब से ही। अभी 1-1.5 महीना हुआ ज्वाइन करे हुए, जब से तंग कर रहे। हेल्पर रखा, हेल्पर भी हटा दिया। कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया भाई को, मेरे को सुबह। क्या नाम है भाई का? अनुराग त्यागी। किस फैक्ट्री में काम करते थे? ये तुम्हारा खेगड़ा कास्टिंग जी, गुलावटी मसूरी रोड फेज 3। लास्ट अंतिम बार कब बात हुई थी आपसे? मेरे से तो 5-6 दिन पहले बात हुई थी उसकी, समझे ना। सुबह 9 बजे यहाँ से निकला है वो और 11 बजे 10:30 बजे मैडम वाइफ से बात हुई है उसकी। और तुम्हारा 1:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया, कंपनी से आज फोन आता है कि तुम्हारे भाई के चोट लग गई है। गोरखपुर में ठंड बढ़ने के साथ चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। जहाँ पुलिस की गश्त की पोल खुल रही है, आपको बता दें कि चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से रफू चक्कर हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला गोरखपुर जिले के कैंट थाना क्षेत्र के रानी डीहा का है, जहाँ बीती रात बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी और नगदी समेत लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जाँच शुरू कर चोरों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। अब पीछे गेट खोल के हमारे घर में हेल के पूरा जेवर सब उठा ले गए, ताला तोड़ रहे। पुलिस विभाग इस समय अत्यंत निर्दयी हो चुका है। वह केवल और केवल अपनी चौकी और थानों में बैठ के धन उगाही का काम कर रहा है, जिसका परिणाम है कि तमाम चोरियां लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लेकिन पुलिस विभाग एक भी चोरी का उजागर नहीं करता। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। Goodbye.